नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लगभग हर प्रकार की शैली मिल जाती है, चाहे वो किसी चलचित्र की हो या किसी श्रृंखला की। केवल इतना ही नहीं, इस ओटीटी मंच पर दुनिया में बोले जाने वाली विभिन्न प्रकार की भाषाओं में भी श्रृंखलाएं मिल जाती हैं। ये एक सब्सक्रिप्शन पर आधारित मंच है जहां नेटफ्लिक्स पर पहले आई हुई श्रृंखलाओं के साथ साथ अपनी भी मूल श्रृंखलाएं प्रस्तुत की जाती है। ये एक तोहफे से कम नहीं है उन लोगों के लिए जिन्हें विभिन्न प्रकार की भाषाएं सुनना और देखना अच्छा लगता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए मनोरंजन से भरपूर रहती हैं और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ उपलब्ध है। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन श्रृंखलाओं पर जो मनोवैज्ञानिक रोमांचक शैली के अंतर्गत आती है। मेरा नाम है गरिमा तोमर और मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ में। तो पहली सीरीज़ है द एलियंस। ये सीरीज़ कालेब कैर की एक सर्वश्रेष्ठ बिक्री पर आधारित है जिसका शीर्षक था द एलियंस, जो एक मनोवैज्ञानिक रोमांचक कथा है जिसकी कहानी बहुत अमीरी से लेकर बहुत गरीबी तक दिखाई गई है और न्यूयॉर्क के 1896 में हुए तकनीकी नवाचार दर्शाए गए हैं इसमें। इस सीरीज़ की शुरुआत 1896 से होती है जहाँ एक के बाद एक न्यूयॉर्क में वैश्या लड़कों की हत्या हो जाती है, जहाँ एक नए पुलिस अफसर का चयन होता है जिसका नाम थियोडे रहता है, जो लसजलो और जॉन एक न्यूज़पेपर एडिटर रहता है उसके साथ मिलकर क्रिमिनल मनोवैज्ञानिक केस छुपकर सुलझाता है। इस मिशन पर उनका साथ देती है सारा, जो एक बहुत ही तेज़ दिमागी सेक्रेटरी रहती है पुलिस हेडक्वार्टर में और जो पहली महिला होती है जासूस बनने वाली। इस श्रृंखला के कुल 10 एपिसोड हैं और अगर आपको फॉरेंसिक और मनोविज्ञान में दिलचस्पी है तो ये श्रृंखला आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगली सीरीज़ है मैनहंट। ये एक अमेरिकी ड्रामा है जिसके रचयिता है एंड्रयू टेड और टोनी। इस सीरीज़ में अने बॉम्बर एक आतंकवादी रहता है जिसका नाम रहता है टेड। वो एक गणित ज्ञानी रहता है पर वो सब ये छोड़कर कुछ अलग करना चाहता है ताकि वो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके, लेकिन वो आतंकवाद में घुस जाता है और बहुत से ऐसे केस का भागीदार हो जाता है जहां हत्या और बम ब्लास्ट के किस्से होते हैं। अगर आपको क्राइम शैली के अंतर्गत बनी श्रृंखलाएं पसंद है तो आपको ये श्रृंखला ज़रूर देखनी चाहिए। अगली सीरीज़ है हनीबल। ये भी एक मनोवैज्ञानिक डरावनी रोमांच से भरी हुई सीरीज़ है जिसके रचयिता है ब्रायन फुल्लर। इस सीरीज़ के पात्र 1981 में आई थॉमस हैरिस के उपन्यास रेड ड्रैगन के ऊपर निर्मित है। इसकी कहानी एक चिकित्सक और उसके मरीज को दर्शाती है जो एक नौजवान अपराधी रहता है। उनकी ये विचित्र कहानी जिस तरह मिकेलसन और हक के अपने किरदार को निभाती है वो तारीफ के काबिल है। अगर आपको इस कहानी पर आधारित उपन्यास पसंद आया तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। अगली सीरीज है डार्क। ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर वेब टेलीविजन श्रृंखला है जिसके रचयिता है बरन और जंतजे। ये एक दक्षिण जर्मन में स्थित एक काल्पनिक शहर की कहानी दर्शाती है जहां एक बच्चे के गायब हो जाने के बाद बहुत से राज खुलते हैं और एक के बाद एक चार परिवार की कड़ियां जुड़ती है। इस सीरीज में टाइम ट्रेवल और आदमी के व्यवहार के बारे में दर्शाया गया है। अगर आपको मनोविज्ञान और टाइम ट्रेवल में दिलचस्पी है तो ये सीरीज आपके लिए सही साबित होगी। अगली सीरीज है सेफ। ये एक ब्रिटिश ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जो एक क्राइम लेखक हार्लान के द्वारा लिखी गई है और उसके चलचित्र लेखक हैं डैनी ब्रोकलहर्स्ट। इसकी कहानी एक अंग्रेज टॉम नामक आदमी जो एक बाल रोग सर्जन और एक अकेला पिता रहता है दो लड़कियों का, जिनसे वो पिछले एक साल से सुलह करने की कोशिश कर रहा होता है। एक दिन उसकी 16 साल की बेटी जेनी अचानक से गायब हो जाती है और वो उसकी तलाश में जाता है। उसके इस सफ़र में उसे बहुत सारे छुपे हुए राज मालूम पड़ते हैं जिनके बारे में वो और जानना चाहता है। तो अगर आपको रहस्यमयी और विज्ञान से भरी श्रृंखलाएं पसंद हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनी है। तो मैं तो यही कहूँगी आप इन सारी की सारी सीरीज़ को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल है, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर एक आध आपने देखी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर करें हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।